मनासा पुलिस ने 8 महीने पहले हुई धोखाधड़ी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 2.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। महिला ने एक व्यक्ति को सोने की टिकिया के नाम से पीतल की टिकिया देकर 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। मनासा पुलिस ने 8 माह पूर्व हुई धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपिया को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी से हड़पे गए 2.5 लाख रुपए जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। 8 फरवरी 2021 को फरियादी फकीर चंद्र पिता जगदीश भाई निवासी भाटखेड़ी नाका मनासा के साथ अज्ञात महिला द्वारा सोने की टिकिया के नाम से पीतल की टिकिया देकर फरियादी से 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली थी। थाना प्रभारी मनासा के एल डांगी ने अपनी टीम के साथ अपनी व्यवसायिक दक्षता का उपयोग कर 16 अक्टूबर 2021 को आरोपिया संगीता बाई पति रमेश डामोर उम्र 40 साल निवासी ग्राम कोटड़ा नवाफालिया पुलिस चौकी पिटोल थाना झाबुआ हाल मुकाम बादपुर थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर को अभिरक्षा में लिया और आरोपिया के कब्जे से धोखाधड़ी कर हड़पे गए रुपये में से 2.5 लाख रुपये की राशि जब्त की गई। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी मनासा के एल डांगी व उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा।